नमस्कार। बिहार में अपराधियों का तांडव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बीते रात IGMS अस्पताल के गेट नंबर 2 के समीप दवा दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि दवा दुकानदार निकलकर नाश्ता करने के लिए निकले थे, इतने में दवा दुकानदार वीरेंद्र यादव को अपराधियों ने गोली मारा, जो गोली सीने को छेदते हुए एक बच्ची को जा लगा। मौके पर ही दवा दुकानदार वीरेंद्र यादव की मौत हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि वीरेंद्र यादव का घर भी अस्पताल के आसपास ही है। यह भी लोग द्वारा कहा जा रहा है कि जो माफिया तंत्र अस्पताल में हैं, जो दवा का पुर्जा दुकानदारों तक पहुंचाते हैं, उन्हें कमीशन मिलता है, उन्हें रंगदारी मिलता है। जो दुकानदार नहीं देते हैं, उन्हें तंग और तबाह किया जाता है और धमकाया जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि वीरेंद्र यादव दवा के पुर्जा को लाने वाले माफियाओं को कमीशन नहीं देते थे, इसलिए माफिया काफ़ी खपा थे और वीरेंद्र यादव को गोली मारकर हत्या कर दिया। इस हत्या के बाद बिहार में पुलिस की पोल खुल गई, सरकार की झूठे वादे रूपी सुशासन का पोल खुल गया। वीरेंद्र यादव की हत्या करने के बाद दवा दुकानदार में काफ़ी रोष है, आक्रोश है, परिजन करोड़ों कर बेहाल है। कहा जा रहा है कि पटना में अपराधियों का तांडव है, आए दिन हत्या होती है, व्यापारी को निशाना बनाया जाता है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कहा यह भी जा रहा है कि गोली मारने के बाद अपराधी बड़े आराम से भाग निकले, जो पकड़े अब तक नहीं गए हैं। परिजन रो रो कर अपने आप को दिलासा दे रहे हैं। वीरेंद्र यादव की हत्या एक सरकार के मुंह पर तमाचा है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।